नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 जनवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीपीएससी एसएसपी प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड इस दिन होगी जारी। जातीय गणना से छूटे परिवार इस तारीख से पहले ऐसे शामिल करा सकते हैं नाम। बिहार में जल्द ही बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, लागू होगी आईटी पॉलिसी। न्यूनतम तापमान में होगी बढ़ोतरी, ठंड से मिलेगी राहत। न्यूजीलैंड का सुपड़ा साफ करने उतरेगी टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एमपीएससी ने 8,169 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के कुल मिलाकर 8,169 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 14 फरवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर के बारे में। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म आज ही के दिन 1924 में हुआ था। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान समस्तीपुर के एक गाँव पितौंजिया, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, मेनाई जाति में हुआ था। जननायक जी के पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर तथा माता जी का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी था। इनके पिता गांव के सीमांत किसान थे तथा अपने पारंपरिक पेशा नाई का काम करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने 26 महीने जेल में बिताए थे। वह 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1969 के दौरान दो बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। बीपीएससी अड़सठवीं प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड इस दिन होगी जारी। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी अड़सठवीं प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड 28 जनवरी 2023 को जारी किए जाएंगे। यानी कि 28 जनवरी 2023 से अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर या ऑनलाइन bpsc.bihar.government.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मालूम हो कि डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड की मदद से डाउनलोड कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 12 फरवरी 2023 को आयोजित किया जा रहा है, जो कि एक ही पाली में आयोजित की जाएगी, जिसका समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत 21 शहरों और 60 तालाबों का होगा कायाकल्प। बिहार के 21 शहरों में स्थित 60 तालाबों का कायाकल्प होने जा रहा है। बता दें कि इन्हें संरक्षित करने के लिए तालाबों के जीर्णोद्धार के साथ साथ सौंदर्यीकरण करने का भी योजना है। इन 21 शहरों के तालाबों और पोखरों के जीर्णोद्धार योजना के लिए नगर विकास विभाग द्वारा राशि को भी स्वीकृति मिल गई है। अब जल्द ही इस कार्य के लिए टेंडर निकाले जाने हैं। इसे पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए जल जीवन हरियाली मिशन योजना के तहत शुरू किया जाना है। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 36,84,00,000 रुपयों की स्वीकृति 21 शहरों के 60 तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए मिली है। जातीय गणना से छूटे परिवार इस तारीख से पहले ऐसे शामिल करा सकते हैं नाम। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जातीय गणना के पहले चरण में छूट गए हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल ऐसे लोगों को अब अपने ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ, नगर परिषद, नगर पंचायत व नगर निगम क्षेत्र में कार्यपालक पदाधिकारी से मिलकर जानकारी लेनी होगी। इसके अलावा एक नंबर पर भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक सूचना दिया जा सकता है। लेकिन छूटे गए लोगों को यह काम 25 जनवरी से पहले करना होगा, क्योंकि 25 जनवरी के बाद मकानों की नंबरिंग और परिवारों की संख्या दर्ज नहीं होगी। मुख्य सुविधा इसलिए दी जा रही है क्योंकि गन्ना के दौरान कई बार ऐसा हुआ है कि घरों में ताला बंद रहा है, जिस वजह से गन्ना नहीं किया जा सका। पटना से अन्य शहरों के लिए भी चलेंगी सीएनजी बसें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा पटना या यहां के आसपास से शहरों में जाने के लिए जल्द ही सीएनजी बसों के परिचालन की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए निगम के द्वारा डीजल से चलने वाली बसों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही बांकीपुर बस स्टैंड से छपड़ा, हाजीपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर के बीच डीजल से चलने वाली बसों को हटाकर सीएनजी बसों का परिचालन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा 75 नई सीएनजी बसें खरीदी गई।
है जिसकी कुल लागत 20 करोड़ रुपए है, जिसमें प्रति एसी बस की कीमत 31 लाख रुपए और नॉन एसी बस की कीमत 26 लाख रुपए है। इन बसों का परिचालन परमिट मिलते ही शुरू कर दिया जाएगा। एससीएसटी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 1 और 6 में अब ऐसे होगा नामांकन। राज्य सरकार के द्वारा एससीएसटी आवासीय विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि किसी भी स्थिति में अप्रैल से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत कर दी जाए। बता दें कि इसके लिए सरकार के द्वारा योजना भी बनाई गई है, जिसके तहत पहली कक्षा में नामांकन लॉटरी के माध्यम से होगी, तो वहीं छठी कक्षा में नामांकन 100 अंकों की प्रवेश परीक्षा लेकर की जाएगी। इस संबंध में विभाग के द्वारा जानकारी सार्वजनिक करते हुए यह बताया गया है कि इसके लिए आवेदन की शुरुआत 15 फरवरी से होगी और फिर 15 से 28 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह व्यवस्था राज्य के सभी 87 SC ST आवासीय विद्यालयों में लागू की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी ग्राम में जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, ऐसे में आज के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम आ रहे हैं, जहां उनके स्वागत को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार कैबिनेट के कई मंत्री भी शामिल होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कर्पूरी ग्राम में कई जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कर्पूरी ग्राम स्थित कॉलेज कैंपस में कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण किया जाएगा और साथ ही नवनिर्मित थाना का भी उद्घाटन किया जाएगा। बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने दिया 7 दिनों का अल्टीमेटम। बीते दिन 11 सदस्यीय अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल छात्र नेता सौरभ कुमार और संगम राज के नेतृत्व में बीएसएससी सीजीएल 3 की तीनों शिफ्टों की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बीएसएससी कार्यालय में आयोग को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आयोग के द्वारा 7 दिनों के अंदर इस परीक्षा को रद्द नहीं किया गया तो 30 जनवरी को पूरे प्रदेश में हजारों की तादाद में बीएसएससी अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग कार्यालय का घेराव किया जाएगा और 31 जनवरी से सभी अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठेंगे। छात्र नेता संगम राज ने कहा है कि सोशल साइट पर तीनों शिफ्ट की प्रश्न पत्र उपलब्ध है, ऐसे में यह साफ पता चलता है कि तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, इसलिए तीनों शिफ्टों की परीक्षा को रद्द करके एक बार फिर से पारदर्शी तरीके से परीक्षा ली जानी चाहिए। मदद की गुहार लगा सकते हैं वरिष्ठ नागरिक। राज्य व भारत सरकार की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसका संचालन पटना से किया जा रहा है, जिस पर कॉल लगाकर वरिष्ठ नागरिक मदद की गुहार लगा सकते हैं और साथ ही इस नंबर पर कॉल कर वरिष्ठ नागरिक सभी तरह की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हेल्पलाइन नंबर 14567 है, जिसका नाम एल्डर लाइन रखा गया है। इस पर कॉल करके वरिष्ठ नागरिक सप्ताह के 7 दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मुफ्त में जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा यह भावनात्मक रूप से मदद करते हुए उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के मामलों में भी सहायता प्रदान करेगा और साथ ही वैसे बुजुर्ग जो बेघर है उन्हें भी वृद्धाश्रम के माध्यम से राहत प्रदान करेगा। गणतंत्र दिवस को लेकर गांधी मैदान समेत संवेदनशील जगहों पर पुलिस अलर्ट। बिहार में गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा को लेकर अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। बता दें कि राजधानी पटना में गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, इसके लिए पुलिस के द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। इस बारे में ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना के गांधी मैदान समेत राज्य के उन सभी समारोह स्थल समेत सभी संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं सरस्वती पूजा के बाद होने वाले विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से डिटेल प्लान कर लिया गया है। बिहार में जल्द ही बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, लागू होगी IT पॉलिसी। बीते दिन लंगट सिंह कॉलेज सभागार में M-Line कंपनी की ओर से करियर काउंसलिंग सह प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी के द्वारा छात्रों को संबोधित करते हुए कहा गया कि बिहार में भी जल्द ही IT पॉलिसी लागू की जाएगी, हमारा यही प्रयास है कि पटना सहित पूरा शहर IT हब बने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में IT पॉलिसी लागू होने से निवेशकों को इस राज्य में निवेश करने के लिए आकर्षित करेंगे, जिससे राज्य के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। बिहार
पहाड़ी पर्यटन में आज हम बात करेंगे सिमुलतल्ला हिल स्टेशन के बारे में। बिहार प्रदेश के दक्षिण पूर्व अंतिम छोर पर बसा जमुई जिले के सिमुलतल्ला को मिनी शिमला के नाम से जाना जाता है। पर्यटन को लेकर यह स्थान खास माना जाता है क्योंकि अंग्रेजों के शासनकाल से ही यहां सैलानियों का आना जाना होता है। यहां मौजूद सिमुलतल्ला हिल स्टेशन मुख्य रूप से अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक मौसम के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार यह लोकप्रिय संत श्री राम कृष्ण परमहंस के ध्यान स्थान या तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। इस हिल स्टेशन की प्राकृतिक सुंदरता कई पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह स्थान आराम करने के लिए एक आदर्श स्थान है। भोजपुरी फिल्म अवार्ड में निरहुआ और आम्रपाली दुबे का दिखा जलवा। 17वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 रंगारंग कार्यक्रम में आजमगढ़ से सांसद बने दिनेश लाल यादव निरहुआ को उनकी 2019 में आई फिल्म शेर ए हिंदुस्तान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वहीं प्रदीप पांडे चिंटू को भी अयोध्या भोजपुरी साइन अवार्ड और झारखंड इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड के बाद भोजपुरी फिल्म अवार्ड में भी 2020-21 में आई फिल्म यह कहानी है लैला मजनू के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा एक्ट्रेस अवार्ड आम्रपाली दुबे को 2020 में आई उनकी फिल्म लागल रहा बतासा के लिए दिया गया था। बता दें कि इस अवार्ड शो में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड दुल्हन वही जो पिया मन भाई को दिया गया है। बिहार के 113 आईपीएस अफसरों ने नहीं दिया है संपत्ति का ब्यौरा। गृह विभाग के द्वारा बिहार कैडर के उन 113 आईपीएस अधिकारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने का 31 जनवरी 2023 तक का समय दिया गया है जिन्होंने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाया था। बता दें कि गृह विभाग की तरफ से पंचांग वर्ष 2022 की अचल संपत्ति का ब्यौरा स्पैडो माध्यम से ऑनलाइन जमा करने को लेकर 2 बार पत्र जारी किया जा चुका है। विभाग के संयुक्त सचिव दिनेश राय के द्वारा डीजीपी को पत्र भेजकर कहा गया है कि अब तक 113 आईपीएस अधिकारियों के द्वारा वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण नहीं दिया गया है। 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके साथ ही विभाग के द्वारा एक सूची भी जारी की गई है जिसमें उन 113 आईपीएस के नाम शामिल हैं। न्यूनतम तापमान में होगी बढ़ोतरी, ठंड से मिलेगी राहत। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में सुबह सुबह लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। दिन चढ़ने के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में राजधानी पटना के साथ ही आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि लोगों को अब शीतलहर से राहत मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए 28 जनवरी तक इसी तरह के हालात रहने वाले हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि पश्चिम विक्षोभ के आगे बढ़ जाने के बाद से बारिश रुक जाएगी। साथ ही न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी इजाफा देखने को मिलने वाला है। पटना के साथ ही प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। बता दें कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में इन दिनों नमी युक्त हवा चल रही है जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 25 जनवरी तक मौसम शुष्क बना रहेगा। संस्कृति विभाग में बिहार प्रशासनिक सेवा के 15 अफसरों की हुई प्रतिनियुक्ति। कला एवं संस्कृति विभाग में बिहार प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कला संस्कृति विभाग में इन सभी अधिकारियों को 1 से 14 फरवरी तक तैनात किया जाएगा। बता दें कि 18वीं नेशनल अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता को 10 से 12 फरवरी तक पटना में आयोजित किया जाना है। यही वजह है कि इन 15 अधिकारियों की तैनाती सामान्य प्रशासन विभाग में की जानी है। इन 15 अधिकारियों में रवि कुमार, आलोक कुमार, राजेंद्र दास, अखिलेश कुमार सिंह, अजय मुल्ला अंसारी, विश्वजीत हेनरी, नेहा कुमारी, राहुल बर्मन, साहिद परवेज, सुनील कुमार शाहजहां, संदीप शेखर प्रियदर्शी, पिंकी कुमारी, राजकुमार यादव और मनीष कुमार शामिल हैं। जाने कब तक बिहार के सभी शहरों में किचन तक पाइप से होगी गैस की सप्लाई। बिहार के सभी शहरों में किचन तक पाइप से गैस की सप्लाई की जा सके इसके लिए बिहार में 8 परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। बता दें कि इस लक्ष्य को पूरा करने का समय अगले 5 से 7 साल में पूरा किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि पहले इस लक्ष्य को पूरा करने का समय दिसंबर 2022 तक निर्धारित किया गया था लेकिन अब तक इस परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका है जिसके बाद 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बताते चले कि राज्य में चल रही 8 परियोजनाओं में से 7 का काम IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा की जा रही है। मालूम हो कि इस परियोजना की कुल लागत 403 करोड़ रुपए है। ललन सिंह ने कुशवाहा की नाराजगी पर किया ये खुलासा। जदयू के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। यह कुशवाहा द्वारा कहा गया था। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर जेडीयू के नेता ललन सिंह ने सोमवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जदयू का कोई भी नेता बीजेपी के संपर्क में नहीं है। यदि उपेंद्र कुशवाहा द्वारा ऐसा कहा गया है तो इसका जवाब वही जानते होंगे। हर वो चिन्हित किए जा चुके हैं जो उनके संपर्क में थे। उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम लिए बिना ही उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वही थे संपर्क में और वह मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े भी गए। उपेंद्र
कुशवाहा के नाराज होने की कोई वजह नहीं है, ऐसा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा कहा गया है। सुशील कुमार मोदी का आरजेडी पर आरोप, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा आरजेडी पर आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही राजद लालू मंत्र पर खुलकर काम करने लगे हैं। सरकार के एक मंत्री रामचरितमानस की निंदा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर मंत्री पूरे सवर्ण समाज पर गलत बयानी कर समाज को बांटने का एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजद कभी माई से बाहर नहीं आ सकती और न ही कभी A to Z की पार्टी बन सकती है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से सवर्ण समाज के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण दिया गया था, उस समय भी राजद के द्वारा इसका विरोध किया गया था और दावा किया गया था कि भाजपा में आज मंडल और कमंडल पूरी एकजुटता से साथ है। क्रेडिट स्कोर को 750 से ऊपर ऐसे रखें। जब भी आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपसे आपका व्यक्तिगत जानकारी मांगा जाता है, लेकिन इसके साथ ही आपके क्रेडिट स्कोर पर भी ध्यान दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आपका लोन खारिज कर दिया जाता है और कई बार अगर आपको लोन मिल भी जाता है तो आपको अधिक ब्याज चुकाना पड़ सकता है। इसलिए क्रेडिट स्कोर को 750 से ऊपर बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको हमेशा समय पर अपनी किस्तों और क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान करना होगा। कई बार कंपनी की ओर से क्रेडिट कार्ड देने के लिए कॉल किया जाता है, उस समय आप अगर आपको कार्ड की जरूरत नहीं है तो साफ मना कर दे। अगर आप बोलते हैं कि विचार करेंगे तो कंपनी वाले आपको एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसका मामला क्रेडिट कार्ड ब्यूरो तक पहुंचता है जिससे आपका क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है। न्यूजीलैंड का सुपड़ा साफ करने उतरेगी टीम इंडिया। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मंगलवार को क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। मंगलवार 24 जनवरी यानी कि आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला खेला जाएगा। चूंकि भारतीय टीम ने खेले गए दोनों मैच में जीत दर्ज कर सीरीज पहले ही अपने नाम कर लिया है, इसलिए अंतिम वनडे में टीम कुछ बदलाव कर सकती है। साथ ही अंतिम मैच में मिडिल ऑर्डर पर भी ध्यान रहेगा। न्यूजीलैंड के साथ वनडे सीरीज के बाद 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेली जानी है जिसका आगाज शुक्रवार 27 जनवरी से हो रहा है और उसके बाद 6 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, इसलिए तीसरे वनडे मैच में कुछ फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत के कोलकाता शहर में 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई। 1859 में 230 मीटर गहराई तक तेल के लिए खोदे गए कुएं से पहली बार तेल निकाला गया। संविधान सभा ने 1950 में राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना। जनगण मन को 1950 में भारत के राष्ट्रगान का दर्जा मिला। प्रेम माथुर 1951 में भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट बनी। भारतीय उपग्रह INSAT-3C सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में 2002 में स्थापित हुई। आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम के विधायक परिताला रवि की 2005 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रथम भारतीय ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर का 1826 में जन्म हुआ। महान स्वतंत्रता प्रेमी व क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास का 1877 में जन्म हुआ। स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का 1924 में जन्म हुआ। 24 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालखंड में आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना में उम्मीदवार की नियुक्ति के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना में उम्मीदवार की नियुक्ति के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि उम्मीदवार की नियुक्ति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आयुष्मान भारत योजना में ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के पद पर की जा रही है जिसके लिए मासिक वेतन 28,500 होगा। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। @MOHFW India द्वारा ऐसा कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। गणतंत्र दिवस के स्टिकर व्हाट्सएप पर इस तरह करें डाउनलोड। अगर आप भी गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र दिवस से जुड़ा स्टिकर भेजकर लोगों को शुभकामना देना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी स्टिकर पैक डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको इसको अपने व्हाट्सएप में डाउनलोड करने के लिए आप व्हाट्सएप पर जाकर किसी एक व्यक्ति के चैट पर जाए, फिर ओपन होने के बाद चैट बार में बनी इमोजी आइकन पर क्लिक करें। इसके बाद स्टिकर आइकन चुने और दाईं ओर प्लस के निशान पर क्लिक करें। अब उपलब्ध स्टिकरों में से अपना स्टिकर ऐप देखें और फिर इसे डाउनलोड करें। इसके बाद डाउनलोड किए गए स्टिकर को अपने दोस्तों और परिवारों के सदस्यों को रिपब्लिक डे 2023 की शुभकामनाएं दें।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनमोल कुमार, अंबिका कर्ण, कस्तूरी कुमारी, अखिलेश यादव, नुन्नू गोलू कुमार, असरफी मंडल, कौशल कुमार, कन्हैया कुमार, अनिश चौरसिया, पंकज कुमार दास, कुश कुमार यादव, जीवनाथ मंडल, राजीव कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, श्वेता राय। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार तीसरे वनडे में भी जीत दर्ज कर क्या भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।